सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। अगर बिरयानी बनानी है, बढ़िया क्वालिटी की बनानी है, राजसी मैं कह रहा हूँ, और घर पे खानी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंग्रेडिएंट अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें। तो अब जैसे ये बिरयानी के लिए एकदम परफेक्ट राइस है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये दावत बिरयानी बासमती राइस भिगोना है हमने। तो ये चावल लेकर, ये देखिए बढ़िया दावत बिरयानी बासमती राइस, पानी डाला और पानी डाल के करीब आधे घंटे तक रख दें। ये मेरे पास में पानी गर्म हो रहा है, इसमें ज़रा थोड़ा सा मेस, थोड़ी इलायची, तेज पत्ता ये ले लिया। चावल जो है करीब आधे घंटे तक भिगो के रखें, हम डाल देते हैं इसके अंदर, बढ़िया से चावल पकेगा। नमक भी डालते हैं जरा हम, और घी भी डालते हैं। देखिए अवधी चिकन बिरयानी बन रही है। अब अवध का जो इलाका है, एक्चुअली यूपी, वहाँ का जो खाना है ना, एक्चुअली क्योंकि मुग़ल सरकार वहाँ पे रही, राज किया, तो इसलिए मुगलई खाना, राजा महाराजाओं का खाना जो है वो ज़रा वहाँ पर पॉपुलर हुआ। तो वैसे ही हम कुछ बना रहे हैं, वैसे ही बिरयानी बना रहे हैं। बढ़िया से एक बर्तन लिया घी, और घी में खुशबू आ जाए, इलायची की, दालचीनी की, तेज़पत्ता भी आ जाए, लौंग भी आ जाए, इसके साथ में ये मेरे पास में है प्याज, ये लीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा जीरा इसमें डाला हमने, और इसको ज़रा पकने देते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा, ये जो चिकन है हमारे पास, थोड़ी सी हरी मिर्च तो चाहिए हमें, ये लेकर इसमें, ये लीजिए चिकन के साथ, उसके साथ साथ थोड़ी दही इसके अंदर। हाँ, दही जो है वो मज़ेदार। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक इसके अंदर हम डालते हैं, ये लीजिए इलायची पाउडर, थोड़ा सा इसके अंदर मेस पाउडर, थोड़ा सा केसर, रोज़ और केवड़ा वाटर, इसको अब हमने कर लेना है मिक्स। और तो ये ढक्कन जरा तैयार कर लेते हैं। तैयार का मतलब इसमें ज़रा इसको सील करने के लिए, ये मेरे पास में है आटा, तो ये जो आटा है ये लेकर इस तरह से, ये लीजिए। अच्छा, ये आटा क्यों लगा रहे हैं हम, ये क्योंकि जब ढक्कन इस पे लगेगा ना, तो हम चाहते हैं कि इसकी जो स्टीम है उसी में ये चिकन, उसी में ये राइस, ये बिरयानी साथ में पके। पानी इसमें से छान लेते हैं। इससे पहले कि ये ओवर कुक हो। वाह, वेरी नाइस, चावल खुशबू वाले, क्या खुशबू आ रही है इसमें से, बढ़िया सी, ये हो गया। और हमारा जो चिकन है जिसको हमने मैरिनेट किया है, ये ले लेते हैं दही के साथ में। अब क्या करना है, अब यही चावल लेके इसके ऊपर, वाह, चावल डाल दिया इसी के ऊपर हमने। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा ये फ्राइड अनियन, मिक्स कर देता हूँ मैं ये, हाँ, पुदीने के पत्ते थोड़े से, ज़्यादा नहीं, एकदम सटल फ्लेवर चाहिए हमें इसके अंदर। अब क्या करेंगे हम, इसमें ज़रा डालते हैं थोड़ी फ्रेश क्रीम, उसके साथ साथ केसर, लेकिन ज़्यादा नहीं, ये केसर, और इसी तरह से थोड़ा सा घी भी, नाइस, थोड़ा रोज़, थोड़ा केवड़ा, ज़रा सा इलायची पाउडर, जावित्री पाउडर, और फिर ये ढक्कन, नाइस, लगाया और इसको कर देते हैं प्रेस। अब ये पूरी तरह से हो गया सील, ऊपर से भी सील है। आंच करें धीमे, और धीमी आंच पे इसको अब
पकने दें। इतनी बढ़िया चीज़ें हों, इतना बढ़िया सब कुछ मेहनत से आपने किया हो तो बिरयानी बुला ही लेगी। आप हो या बादशाह सलामत हो, ये मेरी गारंटी है, बिरयानी आपको बुलाएगी ज़रूर।